संस्कृति नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल जीडीपी में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान कच्छ के धोरडो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोरडो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। साथियों, जब तक आप सीमाओं पर सजग खड़े हैं, देश बेहतर भविष्य के लिए जी जान से जुटा हुआ है। आज अगर भारत अपनी पूरी ताकत से विकास की अनंत ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसका श्रेय आपके सामर्थ्य को, आपके संकल्पों को और आपके बलिदानों को भी जाता है। मेरे परिवारजनों, भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी का भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे।